जादुई सोने के पंख। रात का समय, भोलू नाम का एक 20 साल का लड़का अपने बड़े से कमरे में अकेला सोया हुआ था। तभी उसे अपने पिताजी के कार की आवाज आती है, जो घर से बाहर जा रही थी। कार की आवाज सुनकर भोलू नींद से जाग जाता है और अपनी खिड़की में अपने बड़े से घर के बाहर देखता है। पिताजी इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं, माँ से पूछता हूँ। भोलू दौड़ते हुए अपने माता पिता दर्पण और दामिनी के कमरे में आता है, पर वहाँ दामिनी नहीं थी। माँ, माँ तो कमरे में नहीं है, चलो राकेश चाचा और कोमल चाची से पूछता हूँ। भोलू के चाचा चाची राकेश और कोमल भी उनके साथ उस बड़े से घर में रहते थे। भोलू राकेश के कमरे में आता है तो वहाँ भी कोई नहीं था। यहाँ तो चाचा चाची भी नहीं है, सब लोग कहाँ चले गए। भोलू अपने घर से बाहर आता है और अपनी बाइक पर बैठकर अपने पिताजी की कार का पीछा करता है। थोड़ी दूर जाने पर ही भोलू को दर्पण की कार नजर आ जाती है। वो कार तेजी से आगे बढ़ रही थी। रात के 2 बजे पिताजी और सब कहाँ जा रहे हैं। काफी समय तक कार चलते चलते एक घने जंगल में आकर रुक जाती है। तभी उस कार से राकेश और कोमल निकलते हैं। कोमल, निकालो दोनों को जल्दी। कोमल और राकेश दर्पण और दामिनी दोनों को कार से बाहर निकालते हैं। दर्पण और दामिनी के हाथ रस्सी से बंधे हुए थे और उनके मुंह पर काला चीकर टेप लगा हुआ था। दोनों जोर जोर से अपने हाथ को हिलाते जाते हैं। जेठानी जी, हिला लो जितना हिलाना चाहती हो अपने हाथों को, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपके ये हाथ हिलने के लायक नहीं बचेंगे। दर्पण भाई, आपने बचपन से मुझे हर चीज में परेशान किया है, अब देखो मैं तुम्हें इस दुनिया से कैसे मिटाता हूँ। फिर आपकी सारी जायदाद भी मेरी होगी और हम आपके बड़े से घर में राज भी करेंगे। चलो कोमल, हम इन दोनों को यही जान से मार देते हैं। तभी कोमल और राकेश दोनों को घसीटते हुए जंगल की गहराई तक ले जाने लगते हैं। इधर भोलू अपनी बाइक से कार के पास पहुंच जाता है। भोलू कार के अंदर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। कार में तो कोई नहीं है, सब कहाँ चले गए। भोलू दौड़ता हुआ जंगल के अंदर जाता है। तभी वो देखता है कि कोमल और राकेश उसके माता पिता को घसीटते हुए ले जा रहे थे। ये देखकर भोलू जोर से चिल्लाता है, राकेश चाचा। भोलू को देखकर राकेश और कोमल हैरान हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये भोलू कहाँ से आया। भोलू दौड़ता हुआ अपने माता पिता के पास आता है। तभी उस जंगल के कई सारे ऊंचे पुरे पहलवान जैसे जंगली लोग वहाँ आ जाते हैं और वो पांचों को घेर लेते हैं। ये लोग कौन है। भोलू जल्दी से अपने माता पिता के मुंह से चिकट टेप निकालता है और दोनों के हाथ की रस्सी खोल देता है। वो सारे जंगल के निवासी पांचों को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। भोलू बेटा, ये लोग कौन है। राकेश, भागो यहाँ से। पांचों जैसे ही भागने लगते हैं, तभी वो सारे जंगल के निवासी दामिनी, दर्पण और भोलू को पकड़ लेते हैं और राकेश और कोमल जैसे तैसे उनके हाथ से बचकर अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं और कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे छोड़ो हमें। तभी भोलू अपने पैर से उन लोगों को मारने लगता है। ये देखकर वो जंगल के निवासी भोलू को उठाकर पटक देते हैं और एक बड़े से खंजर से भोलू के दोनों पैर काट देते हैं। भोलू दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मेरे बच्चे भोलू, भोलू, ये क्या किया तुमने, मेरे बच्चे के दोनों पैर काट दिए। अरे छोड़ो मुझे, भोलू, भोलू, मेरे बच्चे, छोड़ो मुझे, देखो मेरा बच्चा कैसा तड़प रहा है, कितना खून निकल रहा है उसका, मेरे बच्चे। अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर दोनों रोने लगते हैं। इधर भोलू दर्द के मारे तड़पने लगता है। तभी वो जंगल के निवासी दामिनी और दर्पण को पकड़कर वहां से लेकर चले जाते हैं। बचाओ। इधर राकेश और कोमल अपने घर चले आते हैं। अच्छा हुआ वो तीनों हमारे रास्ते से हट गए, अब वो जंगली लोग उन तीनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अब तो हमारी आयशी आयश है कोमल। कोमल और राकेश बहुत खुश होने लगते हैं। इधर भोलू तड़प रहा था, तभी उसके पास एक बड़ा सा पक्षी आता है। कितना तड़प रहा है ये लड़का, मुझे इसकी मदद करनी होगी। तभी वो विशाल पक्षी अपने बड़े से पर भोलू के जख्मों पर लगा देता है।
जिसके बाद उसके जख्म भर जाते हैं और उसमें से खून निकलना बंद हो जाता है और भोलू का दर्द खत्म हो जाता है। ये कैसे किया तुमने? भोलू, मैं एक जादुई पक्षी हूँ, ये सब मेरे जादू से हो पाया है। अब तो तुम्हारे पैर नहीं रहे, मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं, ये इलाका बहुत खतरनाक है, तुम्हारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। मेरे माता पिता को इस जंगल के निवासी पकड़ कर ले गए, मेरी मदद करो जादुई पक्षी, मेरे माता पिता को बचा लो। भोलू, मैं जंगल के उस इलाके में नहीं जा सकता, अगर मैं वहाँ गया तो मेरा जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दो जादुई पंख देता हूँ जिसकी मदद से तुम कहीं भी उड़कर जा सकते हो। वो जादुई पंख सोने के होंगे जिससे तुम कई सारे पैसे भी निकाल सकते हो और उसके जादू से कुछ भी कर सकते हो। तभी वो जादुई पक्षी अपने जादू से भोलू की पीठ पर दो जादुई सोने के पंख लगा देता है। जाओ भोलू और अपने माता पिता को बचा लो। इतना कहकर वो जादुई पक्षी वहां से उड़कर चला जाता है। तभी भोलू अपने जादुई सोने के पंख से उड़कर जंगल में आता है और ऊपर से जंगल में अपने माता पिता को ढूंढता है। तभी उसे जंगल में एक स्थान पर कई सारे लोग दिखाई देते हैं। वो लोग दर्पण और दामिनी को आग में जलाने जा रहे थे। ये देखकर भोलू तेजी से वहां आता है और अपने जादुई पंख से उन सारे लोगों को वहां से हवा में बहुत दूर फेंक देता है। भोलू और उसके जादुई पंख देखकर दामिनी और दर्पण दंग रह जाते हैं। भोलू मेरे बच्चे, ये क्या हो गया है तुझे, ये पंख? माँ, ये जादुई सोने के पंख है, अब चलिए यहाँ से वरना वो लोग फिर से यहाँ आ जाएंगे। भोलू अपने माता पिता को कसकर पकड़ लेता है और हवा में उड़कर उन्हें वहाँ से लेकर चला जाता है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है, तीनों एक पहाड़ के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। भोलू का ये अवतार देखकर उसके माता पिता उससे कई सवाल करने लगते हैं। तभी भोलू उन्हें पूरी बात विस्तार से बताता है। भला हो उस जादुई पक्षी का जिसने मेरे बच्चे को नया जीवन दान दिया। पर बेटा, तेरे पैर? पिताजी, अब ये जादुई सोने के पंख ही मेरे पैर है। माँ, पिताजी, चाचा चाची आपको इस जंगल में क्यों ले आए थे और वो आपको घसीटते हुए कहाँ ले जा रहे थे? ये बहुत लंबी कहानी है बेटा। एक दिन तुम रात को हमारे कमरे में आए थे। मैं अपने दोस्तों के साथ पाठनपुर घूमने जा रहा हूँ, 7 दिन बाद लौट आऊंगा। नहीं भोलू बेटा, हम तुम्हें इतनी दूर जाने की अनुमति नहीं दे सकते। तभी वहाँ दर्पण का छोटा भाई राकेश और उसकी पत्नी कोमल आती है। जाने दीजिए दर्पण भाई, जब तक भोलू बेटा बाहर नहीं निकलेगा उसे दुनिया के बारे में पता कैसे चलेगा। कोमल और राकेश दोनों भोलू को भेजने की जिद करते हैं और आखिरकार दर्पण और दामिनी भोलू को जाने की अनुमति दे देते हैं। अगले दिन भोलू अपने दोस्तों के साथ पाठनपुर चला जाता है। इधर कोमल और राकेश अपने कमरे में थे। राकेश, आखिर कब हम तुम्हारे भाई की ये जायदाद को अपने नाम करेंगे? अगर तुम्हारे भाई ने फिर से घर के बंटवारे की बात निकाल दी तो हमें क्या मिलेगा? ये सब तो तुम्हारे भाई का ही है ना? हाँ कोमल, तुम सही कहती हो। वैसे भी दर्पण भाई ने कई बार हमें इस जायदाद को लेकर जलील किया है। अब तो भोलू भी घर पर नहीं है, हमें मौका देखकर दर्पण भाई और दामिनी भाभी को ठिकाने लगाना होगा ताकि उनकी सारी जायदाद हमारे नाम हो जाए। दर्पण और राकेश के बीच जायदाद को लेकर कई बार बहस हो चुकी थी, पर हर बार दर्पण राकेश को खामोश बिठा देता था। राकेश कोई काम नहीं करता था। माता पिता के गुजर जाने के बाद वो अपने बड़े भाई के साथ उसके बड़े से घर में ही रहने लगा था। वो हर समय अपने भाई की जायदाद हड़पने के चक्कर में लगा रहता था। देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं। एक रात कोमल दामिनी और दर्पण की चाय में बेहोशी की दवा मिला देती है, जिसके बाद वो चाय पीकर दामिनी और दर्पण बेहोश हो जाते हैं। तभी कोमल और राकेश दोनों को बाहर दर्पण की कार में लाकर बिठा देते हैं। इधर भोलू अपने घर चला आता है। वो अपने माता पिता के कमरे के बाहर आता है तो कमरे का दरवाजा बंद था। लगता है माँ पिताजी सो गए। कोई नहीं, मैं भी जाकर सो जाता हूँ, बहुत थक गया हूँ। भोलू अपने कमरे में चला जाता है। तभी कोमल और राकेश दर्पण और दामिनी को लेकर चले जाते हैं। अपनी माँ के मुँह से ये कहानी सुनकर भोलू गुस्से में आग बगुला हो जाता है। मैं चाचा चाची को नहीं छोड़ूंगा माँ। भोलू अपने जादुई पंख से अपने माता पिता को अपने घर ले आता है। राकेश और कोमल जब तीनों को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। तभी भोलू अपने जादुई पंख से अपने चाचा चाची को बहुत मारता है। दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। हमें माफ कर दे भोलू बेटा, हम आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करेंगे।
हमसे गलती हो गई बेटा, हमें माफ कर दे। मेरे माता पिता ने तुम्हें अपने घर में जगा दी और तुम उन्हें ही जान से मारना चाहते थे इस जायदाद की लालच में। तुम्हें ये जायदाद चाहिए ना चाचा जी? ठीक है, रखो इसे आप। अब मैं अपने माता पिता के साथ यहाँ नहीं रहूंगा। हम तीनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, पर आपको आपकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। तभी भोलू अपने जादुई सोने के पंख से राकेश के दोनों हाथ बेजान कर देता है और अपने माता पिता को लेकर एक बड़े से आलीशान घर में चला जाता है और अपने जादुई सोने के पंख से कई सारा सोना और पैसा निकालता जाता है और गरीबों की मदद करता जाता है।